तो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हूँ और यहाँ से मेरी ट्रैवलिंग शुरू होगी और मैं जा रहा हूँ मुंबई, तो रिटर्न हो रहा हूँ। तो ये मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, आप देख सकते हो मेरे पीछे ये फूड स्टॉल्स हैं, यहाँ लोग खा रहे हैं बैठ के। देखो मोमोज हैं, काफ़ी बढ़िया होता है। तो मैं आपको ले चलूँगा, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। तो ये है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई टर्मिनल 1 है डिस्पाचर, और यहाँ अब हम जाएंगे डिस्पाचर गेट 1 पर और हम अपना निकालेंगे बोर्डिंग पास। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बोर्डिंग पास चाहिए, तो हम निकालेंगे हमारा बोर्डिंग पास। एयर इंडिया प्रेस करने के बाद आई एग्री करेंगे और यहाँ हम हमारा PNR एंटर करेंगे जो कि हमने बुकिंग के टाइम हमें मिला होगा। फिर प्रिंट बोर्डिंग पास करेंगे और यहाँ हमें फ्लाइट डिटेल्स आ गया और हमें यहाँ नीचे से हमारा बोर्डिंग पास प्रिंट होके निकल जाएगा। तो अब ये निकल जाएगा। और दोस्तों अब हम जाएंगे हमारे चेक इन में और यहाँ देख रहे हो आप चेक इन हो रहा है। तो हमें यहाँ पे हमारा ID प्रूफ और बोर्डिंग पास दिखाना रहता है। तो ये हमारा मुंबई टू अहमदाबाद टू मुंबई बोर्डिंग है और यहाँ हम अंदर आ चुके हैं, आप देख रहे हो। सो ये है दोस्तों अहमदाबाद एयरपोर्ट, वेलकम टू सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये है दोस्तों अडानी, ये भी अडानी के अंडर में है और काफ़ी सुंदर इसको बनाया गया है। यहाँ सामने दोस्तों चेक इन सिक्योरिटी चेक इन होगा और हम यहाँ से सिक्योरिटी चेक इन पे जाएंगे। यहाँ दोस्तों जाने के लिए हमें हमारा जो पास है उसको लगाना पड़ता है और बोर्डिंग पास एक्सेप्टेड है, स्कैन बोर्डिंग पास, और ये ओपन हो गया और हम निकल गए हैं। और यहाँ सिक्योरिटी चेक इन होगा। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी चेक इन का लाइन है और यहाँ मोबाइल हम यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ के बाद का आपको वीडियो दिखाऊंगा। यहाँ हमारे सारे बैग, लैपटॉप, वॉलेट और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सारे निकालने होते हैं और ट्रे में रख के एक लाइन से भेजना रहता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर ऑफिसर हमारा हमें स्कैन करेगा और उसके बाद हम अपने सामान फिर से पैक करके और आगे के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दोस्तों सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और
चेक कर लेते हैं हमारा गेट कहाँ से है। बस हमारी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी गेट 1 से है। तो अभी हम गेट 10 के पास हैं। पीछे हमारे देख सकते हो अच्छा खासा बताया गया समर टाइम। ये तो यहाँ दोस्तों गेट्स है और हम अपने गेट नंबर 1 की तरफ पड़ेंगे। गेट 1 जो है वो अपर साइड है, वहाँ आप देख सकते हो गेट नंबर 1, जो कि यहाँ से चढ़ के जाना होगा। तो दोस्तों गुजरात में गांधी जी को नहीं देखे तो क्या देखे बताओ। ये हमारे गांधी जी जो कि आप देख रहे हो चरखा चलाते हुए कॉटन का। सो फ्रेंड्स गेट नंबर 1 हमें ढूंढना है क्योंकि हमारा बोर्डिंग जो है वो गेट नंबर 1 से 1 गेट 2 के। गेट नंबर 1 आई थिंक उस तरफ है, गेट नंबर 4 है, 3 है, बैक साइड है गेट नंबर। यहाँ दोस्तों द मैन बिहाइंड द नेशन ऑल अबाउट गांधी जी साउथ अफ्रीका। सो गांधी जी काफ़ी जगह ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं। गेट 2 बंद है, गेट 1 के पास हमें जाना है। हम कुछ ही देर में गेट के पास 1 के पास पहुंचेंगे। बोर्डिंग चार्ट नहीं पता ऑलरेडी स्टार्टेड तक हम फ्रेंड्स अभी बोरिंग होने जा रहा है हमारा फ्लाइट। सो फ्रेंड्स फाइनली फ्लाइट बोर्ड होने जा रहा है, काफ़ी लेट है फ्लाइट बोर्ड होने में। और ये है अहमदाबाद खूबसूरत एयरपोर्ट।
अब हम बोर्ड करने जा रहे हैं दोस्तों, और ये रहा बोर्डिंग के लिए। दोस्तों अब हम फाइनली फ्लाइट में बोर्ड कर लिए और यहाँ आगे बढ़ेंगे और फाइंड करेंगे हमारा सीट कहाँ पर है। देख सकते हो एयर इंडिया फ्लाइट कितनी सुंदर और कितना अच्छा और कितना क्लीन है, और हमारा सीट अब हम देखते हुए और सीट पे प्रस्थान करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। Thank you so much. Bye-bye.